मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का एक सपना रहा है और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आप सभी का सपोर्ट। और इनको साथ हम ले चुके चलते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। और तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे हमें बताने के लिए? यहाँ से शुरुआत करोगे? चलो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। कैमरा मैन के लिए मैं आगे भेजना चाहूँगा। तो भाई यहाँ की जो माता जी की मूर्ति है, ये माता जी की मूर्ति है प्राचीन काल की। अच्छा, ये माता जी की मूर्ति है प्राचीन काल की है। तो सर जैसा कि आप बता दो, मतलब कम से कम कितनी पुरानी मूर्ति होगी? कोई पता नहीं, पूरे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं इसका कोई ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्राचीन काल की। अच्छा अच्छा, तो कम से कम 1000 साल और ज्यादा। और भी ज्यादा। और भाई मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ का एक इतिहास पढ़ा था, जो ये मूर्ति तो मेरी मैक्सिमम 1000 साल नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी मूर्ति होगी। कि एक बार मैंने जहाँ पे पढ़ा था यहाँ के बारे में, और शिलालेख है इसको कोई नहीं। और एक शिलालेख यहाँ की एक बहुत ही प्राचीन चीज़ है शिलालेख बारे में। तो मैं खासतौर पर यहाँ पर इसलिए आया हूँ शिलालेख के बारे में। तो यहाँ की अगर मैं इसका कोई फोटो खींच लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये है 2000 साल पुरानी शिला जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाई है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मैंने पढ़ ली है, और नहीं पढ़ पाए तो आप दूसरे को बात भेज सकते हो। ये बहुत ही पुरानी शिला है और शायद ये बहुत बड़ा मंदिर है। बड़ा मंदिर है ना? चलो बड़ा मंदिर है। और बहुत सारी घंटी लगी हुई है, देखिए गाइस बहुत सारी घंटी यहाँ पे भक्ति लगा रहे हैं यहाँ पे, मतलब उनकी मन्नतें जो पूरी हो जाती है वो इसीलिए यहाँ पे लगाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पर फैन वगैरह लगा रखा है, मतलब फ्लैश पास होती है, अब पूजा पाठ भी वहाँ पे होता है, तो अच्छी बात है। और हमारी एक संस्कृति बनी रहे यहाँ पर, फिर भी लोग बहुत मतलब कम लोग आते हैं यहाँ तक। पर यहाँ पे एक मेला लगता है, वो मेला कहीं 4 मेले लगते हैं। अच्छा 4 मेले लगते हैं, लेकिन मैंने सुना था एक मेला लगता है चैत में। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा इको बाहर बहुत ज्यादा आ रहा है, बाहर के बाद शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा इधर आइए देखिए, और कैमरामैन देखिए वहाँ से दिखाइए, वहाँ से शुरुआत कीजिए। अभी थोड़ा सा दिखा रहा है हम लोगों को, ये देखिए बहुत ही पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे खुदाई में निकली थी, लेकिन इन मूर्तियों का कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही इतना, और ये सभी खुदाई में निकली हैं। मैक्सिमम मेरे एरिया में तो कम से कम 250-300 से मूर्तियाँ ज़्यादा होंगी जो खुदाई में निकली हुई हैं, और ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही सुंदर जगह लग रही है, मैं बिल्कुल एक सड़क की तरह यहाँ पे महसूस हो रहा है। और आप यहाँ की मूर्तियों के बारे में देख सकते हो, देखिए मूर्तियों के क्या मतलब, इसको ध्यान देना चाहिए सरकार। यहाँ पे सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है? नहीं, कोई भी नहीं। बताओ सरकार, इतनी इतनी ओल्ड मूर्तियाँ, इतनी भी पुरानी मूर्ति हैं। ठीक है, ये देखिए, और ये मूर्ति देखिए क्या खूबसूरती से मूर्ति बनी हुई है। ये तो मुझे बिल्कुल लग रही पत्थर की मूर्ति हो, पत्थर की तो है सर, पत्थर की मूर्तियाँ हैं लेकिन फिर भी कुछ। और ये बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो पत्थर से काट काट के, सीमेंट की नहीं लग रही है, बिल्कुल सीमेंट की नहीं, पत्थर से काट काट के बनाई गई है, बिल्कुल पत्थर से, जैसे कि पुराने पत्थर जो खुदाई के दौरान निकली हुई है। बताइए जो खुदाई के दौरान निकली हुई है इतनी, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, और हमारी संस्कृति में विलुप्त होती जा रही धीरे धीरे, बहुत गलत हो रहा है यहाँ के बारे में। ये सभी बहुत ही पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं, और ये हमारे तो सबसे मैंने बहुत कुछ घुमा, लेकिन अब आप ये मतलब ये जगह कौन सी, किस जगह के नाम से प्रसिद्ध है? इलाहाबाद देवल बंदेवी माता। अच्छा, इलाहाबाद देवल बंदेवी माता। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब जो बंदेवी माता, क्या मैंने सुना कि राजा बेनी की मतलब कोई तालू? जी जी, राजा बेन की पुत्री है। अच्छा, राजा बेन की पुत्री हैं जी, और राजा बेन की पुत्री को मैंने मैंने 2-3 वीडियो और बनाए थे, जो कि बहुत वो भी जंगल के वीडियो थे, अगर आपने नहीं देखे तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, जाकर देख सकते हो। अब दूसरा मंदिर है, तो दूसरे मंदिर के बारे में हमारे साथ जो बताएंगे ये भैया। और आपको बता दूँ, जितने भी मंदिर होते हैं उनके दरवाजे छोटे होते हैं, इसलिए छोटे होते हैं कि भगवान के द्वार में हमेशा सिर झुका के अंदर जाएँ।
और ये हमारी कौन सी माता है यहाँ पे? होलिका माता। होलिका माता का मंदिर है और यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर से दिखाओ यहाँ थोड़ा सा, कितना पुराना लग रहा है यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब हम ये तो मतलब यहाँ पे और देख सकते हो कितनी पुरानी मतलब ये बनी हुई है, बहुत ही अच्छे देख। ये तो वायरिंग सब बाद में हुई होगी? अच्छा, बाद में की हुई वायरिंग है। और खाने के लिए देखिए शिव जी का मंदिर है, ये देखिए शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर भी ये भी काफी पुराना है और काफी हद तक बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मुझे तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद, जैसे एक जन्नत ही मिल गई होगी, जिसमें बहुत सुकून मिलता है आपको इस जगह पे आने के बाद। और ये भी जो हम चलते हैं नेक्स्ट मंदिर में, मंदिर है यहाँ पे, जय हेलो। और भैया ये मतलब कौन सा स्थान है? अच्छा, ये शनिदेव का स्थान है, ये शनिदेव मुझे महाराज का स्थान है। और यहाँ चारों तरफ ये जो मतलब ये इन जी किन लोगों ने बनवाई है कभी? मनोकामना पूरी हुई। अच्छा अच्छा, जो श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों ने बनवाई हैं। चल अच्छी बात है, वो यहाँ पे बहुत से मंदिर हैं हमारे, तो ये मंदिर हर मंदिर घूमेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं अपने ड्रोन की सहायता से यहाँ की खूबसूरती के नज़ारे, और यहाँ की ड्रोन की सहायता से हम आपको ध्यान में करेंगे। आपका जो आपने मेरे सहयोग दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूँ, मैंने आपका जो वीडियो बनाया है, क्या मैं ये वीडियो यूज़ कर सकता हूँ? अच्छा, तो हमारी परमिशन मिल गई, वीडियो यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इसके लिए। और सर अब हम चलना चाहेंगे आप लिए, ठीक है? और गाइज यहाँ का आज सब लोग बन गया है, और हमारा जो राजा बेनी के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं, ताकि लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा है। और लास्ट में कहना चाहूँगा, भाई साहब एक बार कहते हैं उनकी वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करने को भी बोल दो। भैया ने बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने को बोल दिया फिर देरी किस बात की भाई, प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भेज देना अगली जगह। जय माता दी, चलते हैं।